हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 की न्यूमेरिकल्स क्लास 12th के लिए। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स। तो अगर यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या करना है, देखिए ऐसे तो हम एनसीईआरटी के किताब के बुक के जो वॉल्यूम होते हैं उसमें से निकाल लिए हैं इस चैप्टर को, और आराम से पढ़ने में भी आपको सुविधा होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो 2.1 में क्या कह रहा है, 5 × 10। देखो बाबू, सबसे बड़ा चीज है ना कि जब आप क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले उसके गिवन फाइंड करने का प्रयास करें, और देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप गिवन लिख देते हो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड हो जाएगा। तो देखिए ना कैसे गिवन लिखते हैं इसका। तो जैसे ही देखते हैं 2.1 में कह रहा है 5 × 10, तो गिवन में लिखते हैं गिवन, और गिवन में क्या होता है तो क्यू ए कह रहा है, अच्छा मतलब चार्ज, फर्स्ट वाला चार्ज कितना है, तो फर्स्ट वाला चार्ज कह रहा है 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा क्यूबी, अच्छा क्यूबी याद है, क्यूबी क्या कह रहा है, −3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, दो चार्ज हो गया। अब क्या कह रहा है कि दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, अच्छा एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी है। देखो ना बाबू, अगर इसको फिगर में हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पर क्यू ए लिखना पड़ेगा और यहां पर क्यू बी लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से देखो, क्यू ए लिख दिए, क्यू बी लिख दिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरा का पूरा जो दूरी हो गया 16 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अच्छा, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा बिंदु होगा, ध्यान देना है, इसमें ऐसा कौन सा बिंदु होगा, ए और बी के बीच में कौन सा बिंदु होगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है अनंत के लिए, तो उसके लिए जैसे ही हम बीच वाला देख लेंगे, कंसेप्ट उधर एक्स कर लेंगे, बातें कॉमन होगा। नहीं अगर आपसे बनेगा तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे, हम बना देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें, तो कैसे कह रहा है, तो ए है और बी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर का दूरी है, क्यू ए क्यू बी, क्यू ए दिया हुआ है, क्यू बी भी दिया हुआ है, बताना है इसमें ए से बी के मध्य में वह कौन सा बिंदु होगा जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक, हम एक पॉइंट ले ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि चलो ये पॉइंट जो हम लोगों का है यहां पर है ओ, तो जब हम ओ कंसीडर कर लिए हैं तो बाबू एक बात ध्यान देना होगा आपको कि अगर यहां से यहां तक ए से ओ की दूरी एक्स है, ए से ओ की दूरी एक्स है, तो फिर ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 16 − x। इस बात को तो आप बहुत कॉमन से चीज से समझते होंगे कि भैया अगर बात है कि यहां से यहां तक पूरा 16 है, अगर यहां से यहां तक सिर्फ एक्स होता है तो बाकी जो बच जाएगा वो 16 − x ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए हम हमारे अंदाज से। अब बात है कि इस पॉइंट पर, ध्यान दो, इस पॉइंट पर इस पॉइंट ओ पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो पॉइंट ओ पर विद्युत विभव के लिए बहुत सिंपल सा एक चीज करना होगा। तो बाबू इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, और वह बिंदु हम ओ मान लिए हैं, कंसिडर कर लिए हैं। तो अब हम लोग को क्या देखना होगा, वी ए प्लस वी बी अब बराबर 0। अब बस इस कंसेप्ट को सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हम वी ए रखेंगे और वी बी रखेंगे तो एक साथ ही हम बना देते हैं, शायद आप लोग को फॉर्मूला याद हो अगर हम लिख दे, और नहीं याद हो तो जरूर आप देख लें। वी का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और q/r हो जाता है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, और पहले से जानते हैं तो वी के लिए हम क्या लिख देंगे, तो 1/4πε0 और यहां क्या हो जाएगा, तो q, q के जगह पर कितना है, तो 5 × 10⁻⁸
और उसके बाद क्या हो जा रहे हैं। देखो गिवन के बाद सॉल्यूशन करके लिखना चाहिए था, लेकिन हम कंसेप्ट देखो न्यूमेरिकल्स ऐसे हम लोग जो बनाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बनाते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो सॉल्यूशन दे दो, यहाँ डिस्टेंस दे दो, यहां से लिख दो ए ओ फिर ओ बी, ये सब ये तब स्टेप है, खुद से आप कर सकते हो, हम जनरली समझाकर बना देते हैं। तो जैसे ही आप यहां देखते हैं क्या कि फाइव, अब आर की बात है, तो ए के लिए आर का जो बिंदु की दूरी है जहां पर शून्य होने वाला है वो एक्स है, तो हमारा आर यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर में फिर हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught और 3×10⁸ माइनस में, और बाई कितना हो जाएगा। तो अब देखो, अब फिर बी वाले से डिस्टेंस कितना है, तो बी वाले से जो डिस्टेंस है वो है 16 माइनस एक्स, अब बराबर क्या होना है, 0। कॉमन सा कंसेप्ट है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बातें हैं कि हम इस पूरे स्टेप्स को उधर कर देते हैं, तो जैसे ही उधर कर देते हैं तो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught, तो एक काम करते हैं ना, 1/4 pi epsilon naught चाहे तो हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखो, इसको यहीं पर रहने देते हैं 1/4 pi epsilon naught। अब आप कहोगे कि सर यहां तो वैल्यू रख देना चाहिए था, नहीं नहीं देखो कैसे बनाते हैं इसको, और यहां पर कर देंगे 5×10⁸ और एक्स कर देते हैं। जैसे ही इस स्टेप को हम इस साइड लेकर चले जाएंगे तो स्टेप इस साइड आएगा, तो 1/4 pi epsilon naught हो जाएगा और 3×10⁻¹ और 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 1/4 pi epsilon naught से 1/4 pi epsilon naught कट कर देंगे, ये तो कॉमन सी बातें हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां एक छोटा सा स्टेप बच चुका है, अब देखो ना बराबर है, और बराबर के इस साइड में भी 10⁻¹ है, इस साइड में भी 10⁻¹ है, तो इन दोनों को भी हम लोग खत्म कर देते हैं। अब क्या बच गया ऊपर में, तो 5 बाई क्या हो गया एक्स, और देखो ना इस साइड देखो कितना आसान सा बात है, अब ऊपर में देखो 3 है और नीचे कितना हो रहा है, तो 3 होने के बाद 16 माइनस एक्स है, तो हम यहां लिख देंगे 16 माइनस एक्स लिख देते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 5 से इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 80 माइनस 5x, माइनस 5x है इधर कर लेंगे प्लस हो जाएगा 3 8 हो जाएगा 8x 80 हो जाएगा, 8 से कट कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कॉमन से बात आंसर आ गया। अच्छा तो ठीक है, अगर x बराबर 10 हो गया तो इधर कितना हुआ, तो कॉमन ना चीज है 16 माइनस एक्स होना है, तो जब 16 में से x घट जाएगा और x जो है वो यहां 10 है, तो जब 10 घट जाएगा 16 में से तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो यहां हो गया x इक्वल टू 10 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लें। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जिसे इरेज कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लो बाबू क्या कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनता क्यों नहीं, तो उसके एक बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, दिल से छू नहीं दोगे, तब तक नहीं बनने वाला, मतलब आपको समझना पड़ेगा, और समझने के साथ ही एक और चीजें हैं क्वेश्चन में जिससे आप बना सकते हैं किसी क्वेश्चन को, उसके गिवन को समझकर लिखकर और फॉर्मूला समझना। अगर फॉर्मूला भी आप नहीं समझ रहे हो तो बिल्कुल आपसे नहीं बन सकता है। अब जैसे ही आप गिवन पूरा कंप्लीट करते हैं, फॉर्मूला आप सारा याद रखें इस चैप्टर का, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम्ब के आवेश। अच्छा, सम षष्ठभुज का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, सम का मतलब बराबर, षष्ठ का मतलब 6,
तो छ बराबर भुजा होना चाहिए। ये समषष्ठभुज हो गया, प्रत्येक भुजा इसका 10 सेंटीमीटर है। अच्छा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक और बातें हैं इसमें, कह रहा है कि प्रत्येक के शीर्ष पर, ओहो तो यहां जो शीर्ष है इसका, इस पर 5 माइक्रो कूलंब है, यहां भी 5 माइक्रो कूलंब है, यहां भी 5 माइक्रो कूलंब है, यहां भी 5 माइक्रो कूलंब है, और यहां भी 5 माइक्रो कूलंब, और यहां भी 5। कॉमन बातें हैं, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जितना कहा उतना तो ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। अच्छा केंद्र, केंद्र कैसे पता चलेगा, तो इसका डायगोनल्स बनाते हैं। जैसे ही यहां से यहां ऐसे कर देते हैं, यहां से यहां ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही आएगा यहां। तो ये समषष्ठभुज का केंद्र हो गया। अब यहां पर विभव कितना होगा, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो जैसे ही अगर हम बात करें, अगर इस पॉइंट को हम यहीं से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, अब यहां से ना हम ए से ओ ले जाएंगे, फिर बी से ओ ले जाएंगे, सी से ओ ले जाएंगे, डी से, या कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो इसका मतलब जितना एओ है उतना ही बीओ है, सीओ है, डीओ है, ईओ है और एफओ है। तो डिस्टेंस तो सबके बराबर हो गया, तो इसका मतलब आर सबका बराबर हो गया। मतलब आप चाहें तो आप ए लिख सकते हैं कि जो क्यू है वो 5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 कूलंब, सॉरी 10^-6 कूलंब, यहां तक तो कॉमन है। अब बात है क्या, तो हम लोग देख रहे हैं यहां 10 सेंटीमीटर है। अब बात है कि ए वो कैसे निकलेगा, तो समषष्ठभुज जो होते हैं, तो ध्यान रखेना 6 भाग में बटा है, 60 डिग्री हो चुका है, और यहां जितना ये है उतना ही ये होने के कारण यहां यहां कॉर्नर भी बराबर है, तो इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज भी है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो तीनों भुजा भी बराबर होते हैं। तो यहां 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर। कॉमन सी चीजें हैं, इतना तो आप लोग जनरली 10th से ही जान रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं जान रहे हैं तो आप जान गए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो भुजा दे दिया गया, साइड्स दे दिया गया, मतलब आर दिया हुआ है, तो आर भी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10^-2 मीटर होता है, ये तो गिवन की बात है। अब बातें हैं कि ऐसा कितना कार्य हो रहा है, तो 6। तो अगर हम भी, तो अगर हम सिर्फ भी की बात करते तो भी बराबर फॉर्मूला हो जाता 1/4π ε0, और यहां क्या हो जाता है q/r, बट यहां भी की बात ही नहीं है, यहां ऐसा ऐसा 6 है। मतलब अगर हम कहें भी टोटल इक्वल टू, तो भी टोटल इक्वल टू हमको कहना पड़ेगा v1+v2+v3 और डॉट डॉट करके v6, और सारे बराबर हैं, तो सारे बराबर हो जाने के कारण vt=6 भी हो जाएगा। तो जैसे ही हम 6 भी देखेंगे, तो 6 और भी के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 1/4π ε0, और q के जगह पर कितना है, तो 5×10^-6, सॉरी 6, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, तो 10×10^-2। अब आपको हम एक लाइन और पढ़ा कर लिख देते हैं, vt=6 इंटू, यहां हो जाएगा 9×10^-9, ये तो आप लोग जानते हैं, ये जानते होंगे, इसका वैल्यू के कहते हैं, और के जो होता है, के इक्वल टू कितना होता है, तो 9×10^9 होता है, तो बिल्कुल इसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा, तो 5×10^-6 और 10×10^-9। आप चाहते होंगे कि हाँ सर इसके जितने भी यूनिट्स हैं उसको भी साथ लेकर चलिए, बिल्कुल नहीं,
एक हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग तो इसको बहुत अभी भी स्लो बना रहे हैं, इसको बहुत फास्ट बनाया जा सकता है, लेकिन हम समझाने के लिए, क्योंकि क्लास में रहते थे इसको बहुत डीपली हम लोग समझ सकते थे, लेकिन अभी आपको ऑनलाइन समझाना है तो बिल्कुल आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, और चाहे घर पे बैठ कर आप समझ रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और बिल्कुल इस क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, ठीक है? तो आंसर जरूर बताइएगा, पता चलेगा कि हाँ आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आप मेहनत कर रहे हो, या मतलब आप मल्टीप्लाई याद रखे हो या भूल गए हो, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? जा नहीं रहे अभी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखे हैं, निकाय के समविभवी पृष्ठ की पहचान कीजिए, और दूसरा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो लंबवत हो, ये तो कॉमन सा चीजें हैं जो बिल्कुल 1 मार्क्स के लिए होते हैं। अब विद्युत मतलब समविभवी पृष्ठ की पहचान कीजिए, तो आप लोगों को याद होगा एक डेरिवेशन हम लोग सॉल्व किए थे, और उसके लिए क्या था, तो विषुवतीय अक्ष पर, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में पूरा चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं कि विषुवतीय अक्ष पर जब रहता है कोई बिंदु आवेश रहता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके किताब में अलग टाइप से दिया हुआ है, हम उसको प्रूफ किए हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एक बता देते हैं, अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, दो पॉइंट था, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए और एक विषुवतीय अक्ष के लिए। तो विषुवतीय अक्ष पर भी का मान 0 हो जाता है, और जब भी का मान 0 हो जाता है विषुवतीय अक्ष पर, तो इसका मतलब क्या है, विषुवतीय अक्ष होता क्या है। तो देखो बाबू, यहां 2 माइक्रोकूलम्ब है और यहां भी 2 माइक्रोकूलम्ब है, बीचों बीच जो लंबवत रेखा होता है इसको विषुवतीय अक्ष कहते हैं। तो विषुवतीय अक्ष पर जितना यहां तो एक प्लस है और एक माइनस है, जितना यहां के लिए होगा उतना ही यहां के लिए होगा, कट के माइनस हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा। तो एक बहुत कॉमन सा बातें हैं कि यदि कोई सतह ऐसे रख दिया जाए, ऐसे इस पर विषुवतीय अक्ष पर, तो उसका समविभवीय जो सम उस पर मतलब विभव का मान जो होगा उस सतह के लिए 0 हो जाएगा। तो विषुवतीय अक्ष पर रखे बिंदुओं के लिए, अब इसके लिए क्या कह रहा है, कहां पर रखा जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर पूरा है। तो 6 सेंटीमीटर से देखो आंसर कितना आसान है, 6 सेंटीमीटर में से अगर कोई कह दे कि बीच के बिंदु पर रख दो, तो 6 का बीच 3 हो जाएगा ना, तो कॉमन सी बात है, यहां 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, बिंदु यहां ओ हो जाएगा, कॉमन सा बात, खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहां तक आप देख चुके हैं और बिल्कुल हो चुका होगा आपका वीडियो कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, हम लोग देख रहे हैं इस वीडियोस को, जरूर न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट कर लेंगे, आज 3 न्यूमेरिकल हम लोग टच किए, और 3 न्यूमेरिकल के बाद इसमें 11 न्यूमेरिकल बाकी हैं, तो ऐसे हम लोग कल के वीडियोस में इससे ज़्यादा देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स ग्रुप।